सेशन दिया गया है पावर ऑफ स्पोकन इंग्लिश. अब स्पोकन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मैं बोला स्पोकन नहीं करते, इसको कर देते कम्युनिकेटिव इंग्लिश. अब कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है क्या? लगता है क्या? बाय द स्पोकन इंग्लिश इजी है, टफ है? बहुत इजी. इट्स द इजीएस्ट काइंड ऑफ थिंग ऑन दिस वर्ल्ड. कि कोई भी चीज को हासिल करने से पहले आपको पहले अपने मन में, मस्तिष्क में विजुअलाइज पूरा लेवल का करना पड़ेगा. द मोमेंट यू हैव विजुअलाइज, आपके लिए वो प्रगति जो बोलते हैं यूनिवर्स हैव अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट हेल्प्स यू आउट टू वर्क फॉर दैट. वही इंसान है जो 10 साल पहले किसी चीज में फेल हुआ और आज किसी और काम में बहुत सक्सेसफुल है. मेरी लाइफ में 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक है परसिस्टेंस, एक है हार्डवर्क, वन इज कमिटमेंट एंड वन इज पॉजिटिविटी. यहाँ से मास्टर्स किया 2013 में, एमबीए कंप्लीट किया. स्मृति मैम एंड बियानी कॉलेज ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज दी और आज यहाँ आपको सेशन देने के लिए मुझे इनवाइट किया. मेरा टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ, काफी अच्छे पैकेज में मैं यहाँ से गई थी, ऑल बिकॉज ऑफ स्मृति मैम. बट मेरी डेस्टिनी कुछ और थी, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया और आज मैं आप सबके सामने यहाँ हूँ अपना सेशन मेकओवर्स का कंडक्ट करते हुए. When we feel that we are on the path of fix, है ना, ये करें या ये करें. First situation comes in 10th के बाद कि हमें क्या subject लेना है, considering my strength, my weaknesses. सुमेधा मैम का भी हमें सेशन बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय किया उनका सेशन, हमने डांस किया, हमने मस्ती की और हमें बहुत अच्छा लगा, वी हैड फन. सुमेधा मैम का सेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा.